नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। एक बार फिर कप्तान बनाने की मांग उठ रही है। जी हां, रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग उठी है। जनता चाहती है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया का कप्तान होना चाहिए। T20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए और लोगों का ऐसा मत है कि रोहित शर्मा ही भारत को विश्व कप जिता सकते हैं। कोहली कप्तानी में फेल हैं और रोहित उनसे बेहतर कप्तान है, ये मेरा नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस का कहना है। सोशल मीडिया पर खूब मांगे उठी है, पर इस बात का कोई तुक नहीं बनता है। BCCI विश्व कप से पहले रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बना सकती है। वैसे भी रोहित तो उपकप्तान ही है। विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का कोई तुक नहीं बनता, जब तक कि T20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन बेहद ही खराब हो। दरअसल हुआ ये कि इंजरी की वजह से डेथ ओवर्स में विराट कोहली मैदान के बाहर चले गए थे। चौथे टी ट्वेंटी मुकाबले की ये बात है। क्रीज पर बेन स्टोक्स और ओयन मॉर्गन खड़े थे। इंग्लैंड मुकाबला जीतने की दहलीज पर था, पर 16वें ओवर में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के जाने के बाद टीम की कप्तानी संभाली और शार्दुल ठाकुर को अटैक पर लगाया। ठाकुर से ये भी कहा गया कि गेंद ऑफ साइड की तरफ रखना और गति भी कम ही हो, लिहाजा अगली दो गेंदों पर शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लेकर मैच का पासा एकदम से पलट कर रख दिया। भारत ने मुकाबला 8 रनों से जीता, जिसमें हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी अच्छी रही। आखिरी ओवर भी शार्दुल ठाकुर ने ही डाला था। 23 रन डिफेंड करने थे और भारत के लिए हीरो बने शार्दुल ठाकुर। कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। भारत की झोली में उन्होंने जीत रख दी। अब तक मैदान के बाहर बैठे विराट कोहली की बुराई होने लगी। लोग ये कहने लगे कि ऐसे अहम मौकों पर रोहित शर्मा ही भारत को मुकाबला जिता सकते हैं। रोहित शर्मा में दबाव झेलने की क्षमता है और मुंबई इंडियंस को IPL में उन्होंने ऐसे कई मुकाबले जिताए हैं। खैर, ये तो फैंस का कहना है, पर सच्चाई ये है कि कप्तानी भले ही रोहित शर्मा को ना मिले, पर उनके द्वारा दिए गए सुझाव भी कोहली के बहुत काम आता है और भारत की जीत में रोहित की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। फैंस को खुश होना चाहिए कि हमारी टीम में 2 बेहतरीन कप्तान हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।